बाबा महाकाल के दर्शन किए। प्रियंका भी राहुल गांधी की तरह कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती देती नजर आई। लाल साड़ी, माथे पर टीका, परंपरागत वेशभूषा, ये हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का ऐसा रूप शायद ही आपने कभी देखा होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंची। प्रियंका ने सबसे पहले उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए। प्रियंका गांधी के माथे पर लाल चंदन का लेप चढ़ा था, वो आंखें बंद कर पूजा में तल्लीन दिखी। महाकाल के दरबार में प्रियंका के साथ सूबे के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे। दोनों ने साथ साथ पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। मंदिर के पुजारियों ने प्रियंका से पंचामृत पूजन संपन्न कराया। इसके बाद प्रियंका ने उज्जैन में करीब 3 किलोमीटर तक रोड शो भी किया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के मालवा दौरे को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह इस बात में देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरीके से अभिभूत नजर आते हैं। बाबा महाकालेश्वर के मंदिर में दर्शन करने के बाद में, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में बताया यह जा रहा था कि उनका रोड शो उज्जैन में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर रोड शो संभव हो पाया। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका के दौरे पर जमकर तंज किया, कहा किसानों की कर्ज माफी भूलकर कांग्रेस के नेता मंदिर मंदिर दर्शन में जुटे हैं। आपने वचन पत्र में लिखा सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आदेश निकाला कि केवल फसली अल्पकालीन ऋण माफ करेंगे, और उसके लिए भी जो 48,000 करोड़ रुपया चाहिए उसका प्रावधान नहीं किया, केवल 1300 करोड़ रुपया खाते में डाले। किसान ठगे गए हैं, परेशान हैं, ये झूठ क्यों बोलते हैं। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद प्रियंका का काफिला मध्य प्रदेश के रतलाम पहुंचा, जहां प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला। मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत बड़े तपस्वी हैं और 50 सालों की उनकी तपस्या की उन्होंने, और 50 सालों में तपस्या द्वारा ही आपके लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन भाइयों, तपस्या अहंकार को तोड़ती है, तपस्या क्रोध और नफरत का विनाश करती है, इनकी तपस्या ने अहंकार नहीं तोड़ी। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रियंका गांधी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहां प्रियंका बैरिकेडिंग तोड़कर समर्थकों से मिली और उनसे हाथ भी मिलाया। लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही 23 मई को घोषित होंगे, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी वोट बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दोनों ही पार्टियों के कद्दावर नेता अपने आप को हिंदुओं का हितैषी साबित करने में जुटे हैं। आखिरी दौर की वोटिंग में कोई कसर न रह जाए, इसलिए पीएम मोदी भी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रतलाम में रैली की और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। आखिरी चरण में दम लगा के हईशा, कांग्रेस को भारत माता की जय से दिक्कत है, उन्हें मुझे गाली देने में खुशी होती है। देश गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से चलेगा? दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए बस एक पड़ाव जीतना और बाकी है। आखिरी पड़ाव में फतेह के लिए वार और पलटवार चरम पर है। पीएम मोदी ने एमपी के रतलाम में राष्ट्रवाद के बहाने विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। हम
मां भारती के वंदन से अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कांग्रेस को भारत माता की जय से दिक्कत है। उन्हें मुझे गाली देने में खुशी होती है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। पीएम मोदी ने चौकीदार चोर है नारे लगवाने वाले राहुल गांधी पर भी सीधा निशाना साधा। देश गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से चलेगा? गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से चलेगा? गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से? आपने देखा होगा, नामदार भाषण की शुरुआत ही गाली से करते हैं। राष्ट्रभक्ति के रफेल में सवार होकर कांग्रेस पर शब्दों की बमबारी करके पीएम मोदी उतरे तो इस बार मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश की। देश कह रहा है कि महामिलावटी लोगों अब बहुत हुआ, जनता की आवाज है अब बहुत हुआ, इनफ इज इनफ। वो मध्यम वर्ग जिसे कांग्रेस लालची कहती है, जिस पर टैक्स बढ़ाने की धमकी देती है, वो मध्यम वर्ग का मानवी कह रहा है महामिलावटी लोगों, मिडिल क्लास का अपमान बहुत हुआ। आखिरी दौर में कोई कसर न रह जाए, इसीलिए हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। रतलाम में पीएम मोदी की रैली के बाद कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई दिखाई दिया। मोदी के जाने के बाद यहां लोगों ने जमकर डांस किया। मोदी पर बनाए गए गीत पर महिलाएं भी खूब थिरकी। हर उम्र की महिलाओं ने मोदी के समर्थन में डांस किया। बड़ी संख्या में पुरुष कार्यकर्ताओं ने भी इस नाच गाने में हिस्सा लिया। कई लोग इस लम्हे को अपने मोबाइल में कैद करते भी नजर आए। असल में प्रधानमंत्री के जाने के बाद यहां लाउड स्पीकर पर उन पर लिखे गए गीत बजाए गए और इस धुन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और यहां मौजूद लोगों ने जी भरकर डांस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतलाम से विरोधियों को घेरा तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बंगाल की धरती से दीदी को ललकारा। शाह ने मंच से जय श्री राम के नारे लगाए और दीदी को गिरफ्तारी का चैलेंज भी दे दिया। मुझे बताओ जवाहरनगर वाले, ममता के संसार से 19 को डरोगे तो नहीं ना? डरोगे? डरोगे? डरने की जरूरत भी नहीं है। हर बूथ पर सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्स बैठी है, ममता के गुंडे कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के तेवर कुछ इस तरह थे। मंच से शाह ने दीदी को ललकारा, ये भी कह दिया कि वो मंच से राम नाम के जयकारे लगाएंगे, हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। दीदी कहती है बंगाल में जय श्री राम नहीं बोल सकते, मैं जयनगर सीट की मंच पर से जय श्री राम बोलता हूँ और यहाँ से कलकत्ता जा रहा हूँ, हिम्मत है तो अरेस्ट कर लेना, हिम्मत है तो।
2014 में यूपी के सहारे प्रचंड बहुमत पाने वाली बीजेपी इस बार बंगाल से दिल्ली का रास्ता निकालना चाहती है। शाह ने बांग्ला भाषी मतदाताओं को भी साधने की कोशिश की। बंगाल के अंदर बंगाली भाषा में शिक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जोर से बोलो, बंगाली भाषा में शिक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस्लामपुर के अंदर ममता दीदी ने उर्दू के शिक्षक भेज दिए, इस्लामपुर के अंदर विरोध हुआ, उन्होंने कहा हमें उर्दू में नहीं पढ़ना है, हमें बंगाली में पढ़ना है, हम फिर से बंगाल के अंदर बंगाली भाषा को प्रस्तावित करेंगे या नहीं करेंगे। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा फिर उठाया। उन्होंने कह दिया कि एक बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने दो, फिर घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाला जाएगा। आखिरी दौर में महागठबंधन ने भी उत्तर प्रदेश में पूरी जान लगा दी है। अखिलेश, मायावती और अजीत सिंह ने आज कई जगह साझा रैली की। हर रैली में मायावती के निशाने पर पीएम मोदी ही नजर आए। मायावती ने यह भी कह दिया कि इस बार नमो नमो की छुट्टी होने वाली है। योगी के गढ़ गोरखपुर में एसपी, बीएसपी और आरएलडी की साझा रैली में मायावती खूब गर्जी। एक मंच से मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह ने योगी और मोदी मायावती खूब गर्जी। एक मंच से मायावती, अखिलेश और अजीत सिंह ने योगी और मोदी को जमकर ललकारा। भीड़ का जोश देख मायावती ने यह भी दावा किया कि इस बार सरकार हमारी बनेगी। भयंकर गर्मी में मुझे आपकी सपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग नमो नमो वालों की जरूर छुट्टी करने वाले हैं और अपने जय भीम को ही लाने वाले हैं, और आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी हो जाएगी यदि आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन का अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। गोरखपुर के बाद महागठबंधन के धुरंधर गाजीपुर पहुंच गए। यहां भी मायावती के तीखे तेवर नजर आए। और इस मामले में खासकर जिनकी चौकीदारी थी, ये नई नाटकबाजी इनको नहीं बचा पाएगी। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी जितनी भी ताकत क्यों न लगाए। रैली के बाद मायावती लखनऊ आईं तो उनका गुस्सा शांत नहीं दिखा। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने पीएम मोदी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। विपक्ष की 56 गालियां गिनाने वाले पीएम मोदी पर मायावती ने जमकर निशाना साधा। ये देश में अति पिछड़े वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए भी अपने चुनावी जनसभाओं में ये भी कहते रहे हैं कि मैं अति पिछड़ी जाति का हूं, जिसकी वजह से मेरा विपक्षी पार्टियों के लोग आए दिन अपमान ही करते रहते हैं। जो ऐसा कुछ भी किसी भी विपक्षी पार्टी ने उनके साथ कोई बर्ताव नहीं किया है। मायावती अपनी रैलियों में भी कहती रहती हैं कि मोदी फर्जी ओबीसी नेता हैं और उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग कर खुद की जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल कराया था। गाजीपुर में मायावती एसपी बीएसपी गठबंधन की मजबूती की दुहाई दे रही थी, लेकिन यहीं रैली से कुछ दूर ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिन्हें देखकर अखिलेश और मायावती की चिंता बढ़ जाएगी। रैली में बीएसपी एसपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ता न सिर्फ एक दूसरे से धक्का मुक्की करते नजर आए, बल्कि जिस डंडे में झंडा टांग कर लाए थे उसी से एक दूसरे को मारने लगे। ये तस्वीरें मायावती और अखिलेश के मंच पर आने से पहले की। और पूरे श्रीलंका में कर्फ्यू लागू हो गया है। जातीय दंगों के बाद राष्ट्रपति 1984 सिख विरोधी दंगों पर बेतुकी बयानबाजी करने वाले ओवरसीज कांग्रेस प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा के मामले में आज खुद राहुल गांधी ने सफाई दी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सैम पित्रोदा ने जो कुछ भी कहा वो गलत है, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। पंजाब की धरती से राहुल ने जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की।
जो सैम पिट्रोदा जी ने 1984 के बारे में बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है और उनको देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं पब्लिक में बोल रहा हूं और यही मैंने सैम पिट्रोदा को फोन करके कहा कि सैम पिट्रोदा जी आपने बिल्कुल गलत बोला, शर्म आनी चाहिए आपको और यह आप पब्लिक अपॉलॉजी मांगिए। तो चुनाव में अब आखिरी चरण की बारी है, 7 राज्य 1 यूनियन टेरिटरी 59 सीटें हैं। इसका पूरा गणित आपको समझा रहे हैं राकेश। ओवर टू राकेश। शुक्रिया दिनेश जी। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 6 चरणों का दंगल खत्म हो चुका है। इंतजार अब 7वें और आखिरी चरण के दंगल का है। 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 8 राज्य की 59 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और उस दिन तस्वीर साफ कर देगी जनता अपनी ओर से। हालांकि जो नतीजे होंगे और जो असल तस्वीर पूरे देश के सामने आएगी वो 23 तारीख को जब गिनती शुरू होगी। लेकिन उससे पहले 7वें चरण के दंगल के लिए जो बड़ी बातें हैं वो हम सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले दर्शकों को बता दें, उसके बाद आगे किन राज्यों में कितनी सीटें हैं, जो बड़े चेहरे हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और ये बड़ी बातें, 8 राज्यों की 59 लोकसभा सीटें हैं, 19 तारीख को वोटिंग होने वाली है और उस दिन जनता इन 59 सीटों पर ईवीएम का बटन दबाकर इन सारे प्रत्याशियों के किस्मत को ईवीएम में बंद कर देगी और उसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2019 समाप्त हो जाएगा और असल नतीजे 23 तारीख को आएंगे जब वोटों की गिनती शुरू होगी। और किन किन राज्यों में कितनी सीटें हैं ये भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें, किन राज्यों में चुनाव है 7वें चरण के दंगल में ये भी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश का हम सबसे पहले रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर चुनाव है और इन 13 सीटों में सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि इन 13 सीटों पर 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। ये सीटें थी महाराजगंज, थी गोरखपुर है जो कि योगी आदित्यनाथ की सीट रही है, वाराणसी की सीट है, कुशीनगर है, देवरिया है, बांसगांव है, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, तो ये सीटें हैं। और सबसे बड़ी खास बात यही रही है कि इन 13 सीटों पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, यानी एक बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी का 7वें चरण में यूपी के अंदर लगा होगा। पंजाब की 13 सीटें हैं, बिहार की 8 सीट है, मध्य प्रदेश की 8 सीट है, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9, हिमाचल की 4 और चंडीगढ़ की 1 सीट, यानी चंडीगढ़ जो लोकसभा सीट है वहां पर 7वें चरण में दंगल होना है। तो ये तस्वीर है किन किन राज्यों में कितने सीटों पर चुनाव 7वें चरण के दंगल में 19 तारीख को वोटिंग होनी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जो अब तक के 6 चरण रहे हैं उन 6 चरणों की स्थिति क्या रही है। कुल 483 लोकसभा सीटों पर अब तक मतदान हो चुका है, यानी इन सीटों पर जनता अपना फैसला सुना चुकी है जो कि ईवीएम में बंद रहा है। और इसमें तस्वीर क्या रही है, जो 2014 से अगर हम तुलना कर लें तो 2014 में इन 483 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 249 सीटें मिल गई थी, यानी सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी इन 483 में से जिन पर मतदान हो चुका है उन पर भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस को 41 सीटें मिली थी, इसके बाद एआईएडीएमके को 36 सीटें मिली थी, टीडीपी को 16, बीजेडी को 20 और अदर्स के हिस्से 121 सीट आई थी। तो ये वो 483 सीटें हैं जिनमें 2019 के चुनाव में अब तक मतदान हो चुका है और 2014 से उनकी तुलना। लेकिन बड़ी बात, 19 तारीख को इंतजार है 7वें चरण के दंगल का, तो उसकी भी तस्वीर देख लीजिए 2014 में क्या कुछ स्थिति रही थी, क्योंकि किस पार्टी का कितना दांव लगा है ये भी इन तस्वीरों से, आंकड़े से आपकी बात साफ हो जाएगी। 7वें चरण की जो 59 सीटें हैं तो 2014 का जनादेश, और आप देखिए सबसे ज्यादा सीट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। कुल 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, टीएमसी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 3 सीट पर जीत मिली थी और अदर्स के हिस्से 11 सीटों पर जीत मिली थी। यानी 19 तारीख को जब मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कोशिश इस बात को करेगी कि कम से कम जो 36 सीटें उसके हिस्से आई थी 2014 में इन 59 सीटों पर उन 36 सीटों को बरकरार रखा जाए। और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर आपको बरकरार रखनी है सत्ता, अगर मोदी सरकार की वापसी होनी है तो जाहिर सी बात है इन सीटों को जीतना होगा। तो चलिए ये 2019 के आखिरी चरण को लेकर जो तस्वीर थी वो हमने आपके सामने रखी। एक बार फिर से रुक करते हैं दिनेश जी का। शुक्रिया राकेश, इन्फॉर्मेटिव था काफी। और विनायक दामोदर सावरकर अब वीर नहीं रहे, उनकी वीरता पर राजस्थान की गहलोत सरकार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वसुंधरा राज में स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाता था कि सावरकर एक महान क्रांतिकारी और वीर थे, लेकिन अब कांग्रेस सरकार बच्चों को ये पढ़ाएगी कि सावरकर वीर नहीं थे बल्कि अंग्रेजों से दया की भीख मांगने वाले थे। सावरकर अब वीर नहीं रहे, राजस्थान में सरकार बदली तो वीरों की वीरता के किस्से कहानियां भी बदलने लगे हैं।
सूबे की पिछली वसुंधरा सरकार ने जिस सावरकर को महान क्रांतिकारी और देशभक्त बताया था, उन्हें गहलोत सरकार अंग्रेजों से दया मांगने वाला बता रही है। कांग्रेस सरकार ने फैसला किया है कि बीजेपी की सरकार के दौरान स्कूल की किताबों में जो गैर जरूरी बदलाव हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए। इसके तहत सावरकर से जुड़ी पाठ्य सामग्री में भी अहम बदलाव किया जा रहा है। इसमें विनायक दामोदर सावरकर को वीर और देशभक्त नहीं बल्कि जेल से बचने के लिए अंग्रेजों से दया मांगने वाला बताया गया है। कांग्रेस का कहना है कि सिलेबस की समीक्षा के लिए गठित कमेटी के प्रस्तावों के मुताबिक ही नया सिलेबस तैयार किया गया है। पिछली सरकार ने स्कूली शिक्षा की जो पुस्तकें थी उसमें पाठ्यक्रम में अपनी राजनीतिक विचारधारा थोपने के लिए पाठ्यक्रम में इस प्रकार का बदलाव कर दिया था कि वो गलत रूप से आजादी से लेकर के जिन महापुरुषों का योगदान था उसको कम किया गया था और जिनका आजादी के समय में कोई योगदान नहीं था उन लोगों को, वीर सावरकर जैसे लोगों को ज्यादा महिमा मंडित करके दिखाया गया था। वहीं बीजेपी ने इसे वीर सावरकर का अपमान बताया है। सावरकर को 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल यानी काला पानी की सजा हुई थी। एक शोध के मुताबिक 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार अंग्रेजों को माफी के लिए पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि वो अब कभी भी अंग्रेजों की मुखालफत नहीं करेंगे। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि फरवरी 1949 में उन्हें बरी कर दिया गया था। लेकिन इतिहास में सावरकर की वीरता को लेकर एक राय नहीं है। क्या आतंक का कोई धर्म होता है? यह सवाल कई बार सामने आता है और इसका जवाब ना में होता है, क्योंकि आतंकी सिर्फ आतंकी होता है जो पूरी मानवता का दुश्मन होता है। लेकिन साउथ इंडियन फिल्म्स के सुपरस्टार कमल हासन के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि आजाद भारत का पहला अतिवादी एक हिंदू था। कमल हासन ने यह बयान गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर दिया है। हासन के इस बयान के बाद फिर बवाल है। नमस्कार। அங்கு துவங்குகிறது அது. நான் காந்தியின் மானசீக கொள்ளு பேரன். अहिंसा के पुजारी को मारने वाला खूंखार कहा जा सकता है, चरमपंथी कहा जा सकता है, यहाँ तक कि आतंक के किरदारों में भी उसकी गिनती हो सकती है। निसंदेह गांधी की हत्या करने वाले को कोई माफ नहीं कर सकता, लेकिन एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या नाथूराम गोडसे को किसी धर्म से जोड़ना जायज है? क्या नाथूराम गोडसे को सिर्फ आतंकी नहीं कहा जा सकता था? सवाल यह भी है कि जितने भी आतंकी हुए हैं उनका कोई ना कोई मजहब रहा है, ऐसे में क्या उनके धर्म से उनका नाम जोड़ा जाए? शायद नहीं। तो फिर नाथूराम गोडसे को हिंदू आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है? और ऐसा कहने वाले साउथ के एक बड़े सुपरस्टार कमल हासन हैं। उनका बयान सुनिए जो आतंक को धर्म का नाम दे रहे हैं। ऐसा कमल हासन ने क्यों किया, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले दिमाग में सवालों का साइक्लोन लाने वाला वो बयान सुनिए। அவர் பெயர் நாதராம் கோட்சே. அங்கு துவங்குகிறது அது. நான் காந்தியின் மானசீக கொள்ளு பேரன். அந்த கொலைக்கு கேள்வி கேட்க வந்திருக்கிறேன் நான் என்று அப்படி நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். இது சமரச இந்தியாவாக, சமமான இந்தியாவாக, நாம் சொன்னதே அந்த மூவர்ண கொடியில் மூவர்ணங்களும் அப்படியே இருக்கும் ஒரு இந்தியாவாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நல்ல இந்தியர்களின் ஆசை. கமல் ஹாசன் ने अपने बयान से अहिंसा के पुजारी को जोड़ा, मानवता के रक्षक बापू को जोड़ा और ट्विस्ट तब आया जब कमल हासन ने बड़ी बेअदबी से गांधी के हत्यारे को आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी बता दिया। उनके कहने का सीधा मतलब था कि आतंकवाद की पहली खेप हिंदू धर्म से आई। हालांकि बयान जिस वक्त दिया गया भीड़ में अधिकतम मुस्लिम थे। ये बयान कमल हासन ने तमिलनाडु के अरवाकुर्ची में चुनाव प्रचार के दौरान दिया।
कमल हासन यहां अपनी पार्टी के प्रत्याशी केएस मोहन राज के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन वोट मांगते मांगते बेहद संवेदनशील मुद्दा छेड़ बैठे, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कमल हासन की शिकायत की है, कहा है कि हासन इस तरह के बयान से माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मैं मानती हूं कि उनको विषय के ऊपर अध्ययन न करते हुए जैसे कांग्रेस और कम्युनिस्ट है, हर विषय में हिंदू को नीचे दिखा करके बात करो, उनके अपीसमेंट पॉलिसी चलाने के लिए यही रास्ते पे चलते हुए आज कमल हासन जी ने ये बयान दिया है। अपनी ऐसी अभद्र और अपमानजनक असभ्य देश को तोड़ने वाली, समाज को बांटने वाली भाषा का उपयोग बंद करें और इसको वापिस लेकर देश से क्षमा याचना करें। बात यहीं खत्म नहीं होती। हिंदू धर्म को आतंक से जोड़ने वाले कमल हासन के बयान पर संत समाज ने भी नाराजगी जताई है। हिंदू आतंकवादी कभी हो सकता नहीं है। हिंदू की मानसिकता, हिंदू का संस्कार हमेशा किसी को मारने का, किसी को पीटने का, किसी के साथ तचरने का कारण है ही नहीं है। ये तो जो लोग बोल रहे हैं उनके खून में है। मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी की हत्या अपने समय का सबसे बड़ा जघन्य अपराध था और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, पर यह हिंदू आतंकवाद नहीं था। बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया है और इस बीच कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि नाथूराम गोडसे आतंकी था। बीजेपी नाथूराम को कभी आतंकी नहीं मानती, बल्कि उसका महिमा मंडन करती है। आतंकवाद कोई धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत बात है। ये गोडसे आतंकवादी था और उसको फांसी दी गई, वो बिल्कुल बराबर है। आज भी गोडसे को बड़ा करने के लिए जो ये साजिश चली है वो बिल्कुल गलत बात है। मोदी साहब की सरकार में उन्हें उनका महिमा मंडल किया जा रहा है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनके समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, गांधी जी की प्रतिमा पे गोलियां चलाई जा रही हैं। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? मोदी सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं गोडसे का महिमा मंडल इसलिए है कि ये सारी विचारधारा का समर्थन वाली सरकार है। कमल हासन के बयान पर मुस्लिम समाज से भी प्रतिक्रिया आई है। कई मुस्लिम स्कॉलर ने आतंकवाद को धर्म से जोड़ने पर एतराज जताया है। वो हिंदू थे, ये नफरत भरे एक इंसान थे, क्योंकि कत्ल करने वाले महात्मा गांधी भी हिंदू थे, वो मरते मरते राम का नाम लेते गए। तो ये एक विचार है, नफरत, जो नफरत भरे लोग होते हैं वो आतंकवाद का प्रतीक बनते हैं। चुनावी मौसम में अजीबोगरीब बयान आने स्वाभाविक हैं, लेकिन कमल हासन के असंतुलित बयान से साफ हो चुका है कि सियासत का स्तर कहां पहुंच गया है। जिस तरीके से कमल हासन ने आतंक को हिंदू धर्म से जोड़ा वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि कमल हासन ने बयान से पहले ये कहा था कि वो मुसलमानों को देखकर ये बयान नहीं दे रहे, जबकि उनकी रैली में अधिकतम मुस्लिम ही थे। ऐसे में अगर नाथूराम गोडसे को सिर्फ आतंकवादी कहा जाता तो शायद कमल हासन पर उंगली ना उठती, लेकिन उन्होंने नाथूराम गोडसे को देश का पहला हिंदू आतंकी बताकर अपने मानसिक स्तर का परिचय करा दिया और ये भी जता दिया कि वो अपनी पार्टी मक्कल निधि मैयम के जरिए किस तरह की राजनीति करने जा रहे हैं। एक वक्त कमल हासन की राजनीति में एंट्री से कुछ उम्मीद जागी थी। लगा था कि कमल हासन सियासत में एक अलग तरह का विजन लेकर आएंगे, लेकिन कमल हासन का ये रूप उन राजनेताओं से कुछ अलग नहीं है जो मजहबी हवाओं में अपनी सियासत की आग जलाना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ध्रुवीकरण के सियासी खेल में उनकी सियासत तो शायद ही चमके, लेकिन इस तरह के जहरीले बयानों से मानवता के मजहबी आग में खाक हो जाने का डर सेहरन जरूर पैदा करता है। करीब 11 साल पहले हिंदू आतंकवाद शब्द कांग्रेसी नेताओं की जुबान पर आया था, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। हालांकि जिन लोगों पर हिंदू आतंकवादी होने का आरोप लगाया गया था करीब करीब वो सभी बरी हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं हिंदू आतंकवाद की पूरी थ्योरी कैसे तैयार हुई। आरएसएस की विचारधारा एक जहरीली विचारधारा है। 20 साल तक कांग्रेस इसको दुनिया में भगवा टेरर, हिंदू टेरर कर कर कर
घूमती रही। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए, सब संघ के कार्यकर्ता रहे। कि हिंदुस्तान में हिंदू टेरर हो नहीं सकता, और साबित भी हुआ है। इस बार नारी का सम्मान हम देश में विख्यात कर देंगे, भगवान को सम्मान हम वापस लेकर के आएंगे, सम्मान हम वापस लेकर के आएंगे। 8 सितंबर 2006 मालेगांव मस्जिद में धमाका। 18 फरवरी 2007 समझौता ट्रेन में धमाका। 18 मई 2007 हैदराबाद मस्जिद में धमाका। 11 अक्टूबर 2007 अजमेर शरीफ परिसर में धमाका। 29 सितंबर 2008 मालेगांव में सीरियल बम धमाके। 11 साल पहले देश के कुछ हिस्सों में बम धमाके हुए और उसी सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और वहीं से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। जिन लोगों पर धमाकों का आरोप लगा उन्हें भगवा आतंकवादी कहकर देश भर में बहस छेड़ने की कोशिश हुई। ये नाम थे स्वामी असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, सुनील जोशी, रायचंद्र कालसांगरा, संदीप डांगे, लोकेश शर्मा। सबूतों के अभाव में समझौता ट्रेन ब्लास्ट के सारे आरोपी बरी हो चुके हैं, जिसमें स्वामी असीमानंद भी शामिल हैं। हालांकि भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर अभी मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी हैं, लेकिन बाकी दूसरे मामलों के आरोप से वो बरी हो चुकी हैं। 11 साल पहले इन सब आरोपियों को कांग्रेस ने भगवा आतंकवादी कहकर बुलाया था। उस वक्त के गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने 25 अगस्त 2010 को डीजीपी और आईजी के सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिशों में कोई कमी नहीं है। भारत में युवा पुरुषों और महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा हाल में भगवा आतंकवाद सामने आया है, इसका हाथ कई बम विस्फोटों में पाया गया है। पी चिदम्बरम के आतंकवाद के साथ भगवा शब्द जोड़ने से हंगामा मच गया था, क्योंकि चिदम्बरम का सीधा इशारा आरएसएस की तरफ था। साल 2013 में चिदम्बरम के स्थान पर गृहमंत्री बनाए गए सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी और संघ पर भगवा आतंकवाद फैलाने और आतंकी ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया। जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में उन्होंने कहा था, जांच के दौरान रिपोर्ट आई है कि भाजपा और आरएसएस आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं। समझौता एक्सप्रेस मक्का मस्जिद में बम लगाए गए थे और मालेगांव में भी एक विस्फोट किया गया था। हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा और सतर्क रहना होगा। ये पेपर में कई बार आया है, ये कोई नई बात नहीं है जो आज मैंने कही है। कांग्रेस की तरफ से हिंदू आतंकवाद का जुमला देने वाले चिदम्बरम और शिंदे अकेले नहीं हैं। उस वक्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की जुबान पर भी हिंदू आतंकवाद शब्द आया था। जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। किसी न किसी महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथुराम गोडसे आरएसएस में रहे हैं। हालांकि जब कांग्रेस की तरफ से भगवा आतंकवाद बोला जाने लगा तो उस वक्त बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगाया। हमने भोपाल में साध्वी प्रज्ञा को, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हमने पर्चा डाला है, डिकी राजा के सामने पर्चा, पसीने छूटे, क्यों लड़ाया? इन पर आरोप है। क्या आरोप है? हिंदू टेरर फैलाने का आरोप है। मित्रों, मैं आज मध्य प्रदेश की जनता को बताने आया, हमारी संस्कृति, हमारी जनता जो अपने को काटे वो चींटी को भी आटा खिलाने वाली जनता, हिंदू कभी टेररिस्ट हो नहीं सकता। इस बार के चुनाव में साध्वी प्रज्ञा को बीजेपी ने भोपाल से टिकट दिया तो भी सवाल उठे कि जिस पर धमाकों का आरोप है उसे बीजेपी ने टिकट क्यों दिया? कांग्रेस की तरफ से साध्वी को आतंकवादी बताकर प्रहार किया गया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से खुद बीजेपी अध्यक्ष और पीएम मोदी ने पलटवार किया। इन लोगों ने हिंदू आतंकवाद का एक नया सिगुफा गढ़ दिया,
हमारी महान परंपरा को जबरदस्ती बदनाम करने की इस कांग्रेस की साजिश के कारण ही असली आतंकी बचते रहे और निर्दोषों का खून बहाते रहे। साथियों, यही कारण है कि आज ये आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने से डरते हैं। आपने देखा कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक, दोनों पर इन्होंने सवाल खड़े किए। हालांकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी से उठा बवाल तो थम गया, लेकिन अब कमल हासन ने नाथूराम गोडसे को पहला हिंदू आतंकी बताकर इस बहस को फिर से जन्म दे दिया। क्या आतंकी का कोई धर्म होता है? अगर ऐसा है तो फिर दूसरे आतंकियों के मजहब के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? शायद इसलिए कि आतंकी पूरी मानवता का दुश्मन होता है, उसका धर्म जाति से कोई वास्ता नहीं होता। फिर चाहे वो गोडसे हो या सरहद पार बैठा आतंक का आका हाफिज सईद या आईएस का चीफ बगदादी या फिर न्यूजीलैंड की मस्जिद में बेकसूरों पर गोली बरसाने वाला एक सिरफिरा। और अब बात अमेरिका और पराग्वे में आई बाढ़ की। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी राज्यों में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। लुसियाना, मिसिसिपी, ह्यूस्टन, टेक्सास, मैसाचुसेट्स समेत तमाम शहर बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं पराग्वे में बाढ़ की विनाश लीला से इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अमेरिका में बाढ़ की विनाश लीला। कहीं उखड़े पेड़, कहीं पानी में बही कार। बाढ़ की तबाही से सहमा पराग्वे। तबाही की ये तस्वीरें दक्षिण अमेरिका की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद लुसियाना, मिसिसिपी, ह्यूस्टन, टेक्सास, मैसाचुसेट्स जैसे कई शहर पानी पानी हो गए। टेक्सास के फोर्ट वर्थ में अचानक आई बाढ़ ने सैकड़ों घरों को अपनी चपेट, जहां पीने के पानी के लिए मोहताज हो गए, वहीं दूसरी तरफ बिजली के संकट ने इनके जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया। बाढ़ के बाद तूफान ने अपने तेवर तल्ख कर लिए। कई जगह पेड़ तिनके की तरह उखड़कर जमीन पर आ गिरे। शहर के निचले इलाके में तबाही का आलम कुछ ज्यादा दिखा। बारिश के बाद से ही एरिजोना समेत कई नदियां उफान पर हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि मानो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाना चाहता है। कई इलाकों में तो बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। बाढ़ की विनाश लीला के बीच लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना मुहाल हो गया है। शहर की गलियों में पानी इस रफ्तार से बह रहा है जैसे नदी बह रही हो। लोगों को प्रशासन की तरफ से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है। शहर में 8 इंच तक हुई बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया है। पिछले साल भी जून के महीने में अमेरिका में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। अब बात पराग्वे की। यहां भीषण बारिश की वजह से ज्यादातर शहरी त्राहिमाम कर रहे हैं। बारिश का आलम यह है कि प्रशासन को इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर आ गईं, जिससे बाढ़ का पानी शहर में घुस गया। निचले इलाकों के साथ रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों की लाइफलाइन पर ब्रेक लग गया है। यहां तक कि लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ और बारिश से रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत हो गई है। आलम यह है कि 40,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिए गए हैं। कुदरत से खिलवाड़ और उसके नतीजे। आज नहले पे दहला में इतना ही।